मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर 19 अगस्त 2023 यानी कि शनिवार की इस सावन की हरियाली तीज पर 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 6 राशि वाले लोगों के सौभाग्य और सुख में बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन खुशहाल बनेगा और साथ ही जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग भी बनने जा रहा है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 6 महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और सावन के इस पवित्र महीने में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार हरियाली तीज का जो त्योहार है ना, वो 19 अगस्त 2023 के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं होती है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव शंकर और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी की पूजा करती है। इस बार का हरियाली तीज का जो व्रत है वो काफी खास रहने जा रहा है, क्योंकि इस बार 19 अगस्त के दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन सिद्ध योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है और साथ ही साध्य योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में 6 राशियों के लोगों को अपार बम्पर सफलता के योग बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गो माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गो माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि 19 अगस्त 2023 सावन की इस हरियाली तीज के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गो माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गो माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गो माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गो माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1500 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गो माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गो माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार वृश्चिक राशि की सुहागिन और अविवाहित यानी कि जो कुंवारी स्त्रियां हैं दोनों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। जो भी महिलाएं नौकरी कर रही है उनको नौकरी में नए नए अवसर मिलेंगे, आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और कुंवारी लड़कियां जो भी है ना, उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी उनको आ सकते हैं। हरियाली तीज के दिन पूजा के दौरान वृश्चिक राशि वाली जो भी लड़कियां या महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनको चमेली के फूल चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव शंकर आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होंगे। और जिन लड़कियों की शादी में अगर कोई भी दिक्कत आ रही थी, बाधा आ रही थी ना, तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा से उनकी ये जो दिक्कत है वो दूर होगी और जल्द ही आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, पारिवारिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास बनेगा और साथ ही इनकम के नए नए स्रोत भी खुलेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है।
दोस्तों मकर राशि वाली स्त्रियों का वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा खुशहाल रहेगा। हरियाली तीज के तुरंत बाद से ही आप लंबे समय से पति के साथ अगर कोई भी विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी ना, तो आपके जीवन में वापस से खुशियों की बरसात आएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के रिश्तों में और भी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा और जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं ना, उनको व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। आप इस साल 2023 में कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका आनंददायी रहेगा। जिनकी भी मकर राशि है ना, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव को जल के साथ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी और जल्द ही आपके परिवार में खुशहाली आएगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, भाग्य उदय कब होगा, जीवन की परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। हरियाली तीज के बाद मेष राशि वाली जो भी महिलाएं हैं ना, उनका समय काफी अच्छा और उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और आप अपने पति की कामयाबी में भी योगदान दे सकते हैं। ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा और आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की कृपा से आपको जल्द ही बहुत ही बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। और बाकी जिनकी भी मेष राशि है ना, उनका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, धन का लाभ होने के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। इस दिन आपकी सेहत ठीक रहेगी और दान करने में भी आपको खुशी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो बनती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जो भी महिलाएं हैं ना, यह हरियाली तीज का त्योहार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लकी रहने वाला है। इस दौरान आपकी भौतिक सुख और सुविधाएं बढ़ जाएगी, आपको पति का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। और जिनकी भी वृषभ राशि है ना, हरियाली तीज के बाद से ही आपका भाग्य प्रबल बनेगा, धन का लाभ होगा और आप कई जगहों पर लंबी दूरी की यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं, बिजनेस में मुनाफा होगा, कोई भी बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशहाली लेकर आएगा। वृषभ राशि वाले भगवान शिव और देवी माता पार्वती जी को हरियाली तीज के दिन पूजा के साथ ही पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हू है
हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों इस हरियाली तीज के बाद जिनकी भी कर्क राशि है ना उन लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता आपका मजबूत होगा और आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इस दिन आपको कोई भी आर्थिक लाभ भी हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके लिए उपाय बताया गया है कि हरियाली तीज वाले दिन आप भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उनको प्रसन्न करें। अपने जीवन की जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है ना, उनको दूर कर सकते हैं। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों